ये देखें फ्रेंड्स, मेथी जो है हमने अच्छे से धोकर और इसकी पत्तियां तोड़ ली हैं। आप जब भी हरी सब्जी बनाएं उसको धोकर पहले अच्छे से साफ कर लें, काटने के बाद उसको ना धोया करें क्योंकि कुछ ना कुछ मिट्टी कहीं ना कहीं रह जाती है। इसलिए जब भी आपको हरी सब्जियां या जो है मेथी के पराठे बनाने हैं या कुछ भी बनाना हो हरी सब्जियों का, तो आप उसे पहले धो लीजिए, उसके बाद उसको पानी को अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद आप कटिंग करिए। और ये देखिए आज हम लोग मेथी के पराठे बनाने वाले हैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो इस तरह से हमने ये मेथी तोड़ लिया है और इसको हमने एक ट्रिक्स लगाया है और आपको भी बता देते हैं। मेथी के पराठे आपके कड़वे ना बने इसलिए आप उसको मेथी को तोड़कर और नमक पानी में डालकर इसको अच्छे से ऐसे करके धोकर एक जाली में रख दीजिए, पानी अच्छे से सूख जाए, उसके बाद आप इसकी कटिंग करिए। तो नमक पानी से धोने के बाद आप जो है देखेंगे कि मेथी का पराठा आपका कड़वा नहीं लगेगा। तो इसे चलिए कटिंग कर लेते हैं। देखें इस तरह से एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे और थोड़ा थोड़ा उठाकर हम लोग मेथी को रखेंगे, इस तरह से पकड़ लेंगे अच्छे से और बिल्कुल बारीक काटेंगे, महीन महीन बिल्कुल इस तरह से कटिंग कर लेंगे। आजकल मेथी बहुत मुलायम आ रही है, बहुत सॉफ्ट आ रही है और मेथी बिल्कुल लीजिएगा तो बहुत ही हरी भरी लीजिएगा, जरा भी वो सूखी ना रहे, कई दिन की ना रहे, तो पराठे बहुत अच्छे बहुत ही बढ़िया लगते हैं, टेस्ट लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेथी को हमने बिल्कुल बारीक और महीन काटा हुआ है, इस तरह से काटना है आपको। और अब आइए चलिए इसे पका लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक पैन रखा है हमने, उसमें डाला है हमने 1 टीस्पून ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून जीरा, जीरा हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसी के साथ हम लोग डाल देते हैं अपनी मेथी को जो हमने काट के रखा था। और इसी के साथ टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालेंगे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, 1/4 डालिएगा। जिस हिसाब से मेथी है उस हिसाब से आप नमक डालेंगे, क्योंकि अभी हमें आटे में भी नमक डालना है, उस हिसाब से आप डालेंगे नमक। इसे भून लेंगे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि इसका कड़वापन जो होता है मेथी का वो खत्म हो जाए। ये देखें फ्रेंड्स, इसका मॉइस्चर भी खत्म हो गया है और ये बहुत अच्छे से भून गया है। अब इसे ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 मिनट तक आपको भूनना है, इससे ज्यादा नहीं भूनिएगा। और इसे आप छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, गैस कर देते हैं बंद। और ये देखें इस तरह से ये अच्छे से भून गया है, इसे ठंडा होने के लिए। देखें फ्रेंड्स, हमने आटा लिया है, गेहूं का आटा है ये, और इस कप से हमने 2 कप आटा लिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कम या ज्यादा, इस हिसाब से आप आटा ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग डाल देंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और कलर को बढ़िया बनाने के लिए डालेंगे हल्दी 1/4, बहुत ज्यादा हल्दी नहीं डालिएगा। रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, तीखा आप अपने हिसाब। इसके बाद हम लोग डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, ये देखें इसको क्रश करके डालेंगे ऐसे करके, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आएगा। और इसके साथ हम लोग डाल देंगे 4 टेबल स्पून बेसन है, इससे करारा और खस्ता बनेगा। और अब मैं बताऊंगी आपको पराठे का बहुत ही अच्छा टेस्ट उभारने के लिए आप क्या डालेंगे। 2 सीक्रेट चीजें हैं, एक है देसी घी, इससे क्या होगा बेसन थोड़ा ड्राई होता है, खस्ता तो करेगा लेकिन ड्राई होता है, तो पराठा आपका बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो पाएगा और खस्ता भी बनेगा। और देसी घी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चाहे जिसमें आप डालिए। तो इसे डाल देते हैं, 3 टेबल स्पून है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक सीक्रेट मसाला, जो कि आज से पहले आपने इसे डालकर मेथी का पराठा कभी भी नहीं बनाया होगा। इससे क्या होगा टेस्ट इतना बढ़िया आएगा और इतनी खुशबू आएगी कि घर वाले कहेंगे पूरी सर्दियाँ यही पराठे मुझे चाहिए, इसी तरह का मेथी का पराठा मुझे चाहिए और कोई पराठा नहीं चाहिए। तो ये मसाला है गर्म मसाला, तो ये डालकर आपने कभी नहीं बनाया होगा। तो 1/2 टीस्पून गर्म मसाला डालकर आप बनाइए, फिर देखिए इसका टेस्ट कितना बढ़िया आता है। और इसी के साथ डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, मैं नमक संभाल कर डालिएगा क्योंकि मेथी में हम भी हमने नमक डाला है। और इसी के साथ हम लोग मिला देंगे ये जो मेथी हमने फ्राई की थी, इसको भून लिया अच्छे से और ये ठंडा हो चुका है और इसे अब हम लोग डाल देते हैं इसी में, अच्छे से साफ कर लेंगे। और इसे अभी तुरंत पानी डालकर हमें नहीं कूदना है,
हम इसे पहले सबसे पहले मेथी को सभी चीज़ों में मिक्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना पानी लगेगा और अच्छे से मसलते हुए मिलाएंगे ताकि सारे मसाले घी वगैरह जो भी हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंधेंगे, ना बहुत टाइट गूंधेंगे ना बहुत सॉफ्ट गूंधेंगे। और ये देखें फ्रेंड्स, हमने अच्छे से इसे गूंद लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। अब ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट डो, देखें फ्रेंड्स हमने इसे अच्छे से डो बना लिया। देखिए सॉफ्ट है ना, बहुत ज़्यादा टाइट है ना बहुत ज़्यादा ढीला है। तो इस तरह से आपको भी बनाना है। और 10 मिनट तक हम इसे रख देंगे रेस्ट करने के लिए, ताकि जो मसाले हमने डाले हैं उसका फ्लेवर हमारे आटे में भी आ जाए। तो इसे ढककर छोड़ देते हैं। ये देखें 10 मिनट हो गया है। अब इसकी हम लोग जितने बड़े छोटे पराठे आपको बनाने हैं उस हिसाब से हम इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। ये देखें इस तरह से, और इसमें थोड़ा सा साइड में रख देते हैं इसको, और इसमें थोड़ा सा आटा लगाएंगे, थोड़ा सा फैला लेते हैं। आटा बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, वरना उसका जो परथन होता है उससे पराठे काले नज़र आते हैं, जल जाते हैं ऊपर ऊपर। तो थोड़ा ही लगाइएगा ताकि आसानी से बेल सकें हम इसको। ये देखें, आप चाहे तो किसी भी शेप में पराठा बना सकते हैं, चाहे आप स्क्वायर शेप में बना लीजिए, गोल पराठा बना लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो। और ये देखें, और इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे थोड़ा सा घी। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी लगाने से थोड़ा खस्ता और करारा बनेगा पराठा। मैं इसे ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का लगा लेना है। और ये देखें इस तरह से, और हल्का हल्का हम लोग थोड़ा सा आटे को छिड़क लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, और इसे बेल लेंगे। और ये देखें हमने इसको अच्छे से बेल लिया है, और ये देखें ये परफेक्ट है, ये इतना मोटा, इससे ज़्यादा मोटा आप नहीं रखेंगे। ये देखें, अब आइए चलिए इसको सेक लेते हैं। तवा हमने रखा हुआ है, पहले से गर्म हो गया है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे पराठे को। अभी तेल और घी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जब इसको हम ब्राउन हल्का हल्का सेक लेंगे उसके बाद घी लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे खस्ता और करारे बनेंगे पराठे हमारे। ये देखें हल्का हल्का ब्राउन इस तरह से सेक लेना है। पलटते पलटते आप देख सकते हैं हल्का हल्का ब्राउन हो गया है पराठा। बस इसी स्टेज पर हमें घी या ऑयल लगाना है इस तरह से, और इसे आप पलट देंगे। दूसरी तरफ से घी लगाएंगे। ये देखें कितना बढ़िया फूला फूला पराठा और खस्ता बनेगा इस तरह से आप सेकेंगे तो, बहुत अच्छा पराठा लगता है इस तरह से सेकेंगे। देखिए कितना बढ़िया टेस्टी पराठा दिख रहा है। इस तरह आप बच्चों को भी देंगे तो भी बड़े शौक से खाएंगे। और ये देखें कितना बढ़िया मेथी का पराठा बना हुआ और बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। और एक मैं आपको स्क्वायर शेप में बनाकर दिखाती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, मेथी का करारा टेस्टी पराठा बनकर तैयार है। ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे भी मना नहीं कर पाएंगे, वो भी शौक से खाएंगे। और आप चाहें तो इन पराठों में बच्चों के लिए चीज़ भी भर सकते हैं।
चीज भी भर कर आप दे सकते हैं। इससे बच्चे पराठा बहुत ही शौक से खाएंगे और आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये सीजन का पराठा है, बच्चों को फायदा भी करेगा और घर में बड़े बच्चे सभी को पसंद आएगा। अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। और अगर आपको हमारा ये मेथी का पराठा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें कितना बढ़िया, इसकी फीलिंग दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखें कितना बढ़िया आया है ये। बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। इस तरह से आप बनाएंगे तो आप भी कहेंगे वाकई ये मेथी का पराठा आज से पहले हमने कभी नहीं बनाया, और इसको इस तरह से चटनी में डालकर खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा।